गुड मॉर्निंग क्लास वन विषय हिंदी लेसन सिक्स डे टू वीडियो वन पार्ट आपका सिक्स है चैप्टर का नाम मेरा मित्र है पिछले के क्लास में हम लोग मेरा मित्र कहानी के बारे में पढ़े तो ये कहानी है कि कृष्णन मेरा मित्र है वह मेरे घर के पास रहता है हम दोनों एक विद्यालय में पढ़ते हैं हम एक ही कक्षा में पढ़ते हैं कृष्णन मेरे साथ विद्यालय जाता है वह अध्यापक हमें पढ़ाते हैं हम साथ साथ ही घर वापस जाते हैं इसमें एक लड़का कह रहा है कि कृष्णन मेरा मित्र है वह मेरे घर के पास रहते हैं एक ही के साथ पढ़ते हैं एक ही साथ काम करते हैं पढ़ने में भी बहुत तेज़ है उससे अध्यापक भी उसकी तारीफ करते हैं उसे अच्छे अंक मिलते हैं और माता पिता भी उसे बहुत प्यार करते हैं यही कहानी है जो कि पिछले के क्लास में हम लोग पढ़ चुके तो अब आपका उसके बाद जो है हम दिए थे शब्दार्थ और कुछ आपको कठिन शब्द के तौर पे लिखने के लिए बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखिएगा उसके बाद जांचिए परखिए पेज नंबर थर्टी सेवन तो उसमें आपका क्वेश्चन आंसर है सामने किताब को देखिए तो पहला नंबर है उत्तर दीजिए कृष्णन कहाँ रहता है वह मेरे घर के पास रहता है मैं किसके साथ घर वापस आता हूँ तो मैं कृष्णन के साथ घर वापस आता हूँ मैं विद्यालय का काम कर कब करता हूँ शाम को हम शेयर करने कहाँ जाते हैं बाग में तो दूसरा नंबर फिर है कोष्टक में से ठीक शब्द चुन कर खाली स्थान भरिए आपका दो विद्यालय अध्यापक प्यार अध्या अध्यापक काम प्यार इस तरह से हम दोनों एक ही विद्यालय अध्यापक इसमें अध्यापक तो नहीं होगा तो क्या लिखेगा विद्यालय में पढ़ते हैं हम दोनों एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं दूसरा नंबर है अध्यापक उससे खुश है तीसरा नंबर कृष्णन के माता पिता उसे प्यार करते हैं इस तरह से हम लोग सही सही शब्द लिख दिए और कुछ किताब में आपको आपको एक्स्ट्रा बताने के लिए दिया गया है उच्चारण कीजिए पाँच बार लिखिए जैसे कि हम पहले भी आपको एक बोर्ड पर दे देते हैं कि लिखिए उसे तीन तीन बार चार चार बार पाँच पाँच बार उससे आपकी राइटिंग भी बहुत अच्छी होगी और आपका कठिन शब्द भी कहीं भी पढ़ने में कठिनाई नहीं होगी और सारा वर्ड आपका मजबूत हो जाएगा विद्यालय अध्यापक परीक्षा कक्षा तो समान अर्थ वाले शब्द को क्या कहते हैं समानार्थक नीर जल तथा शलील ये क्या है समानार्थक समानार्थी या पर्यायवाची है इनके समान वाले दो दो शब्द लिखिए विद्यालय का बाग का फिर मात्राओं को मिलाना है देखिएगा कि ए कार ए कार ओ कार मात्रा और दीर्घयी कार की मात्रा है दिया हुआ है तो इसे आप मैच कर दीजिएगा और कुछ एच डब्ल्यू के तौर पर परीक्षा में दस मित्र का नाम लिखिएगा आपके कौन कौन क्लास में साथ में पढ़ते हैं तो सपाटी जो हुआ आप दोस्त के तौर पे भी उसे लिख सकते हैं तो हम लोगों ने प्रश्न का उत्तर ये कंप्लीट कर लिया और इसे याद कर लेंगे और पार्ट सिक्स तक हम लोग पूरा पुर, फेयर बहुत ही सुंदर राइटिंग में बना लेंगे ये हमारा एच डब्ल्यू थैंक्स